আছে, ঘরে থাকবে, খাওয়া খাদ্যতে একটু খেয়াল দিবে, পরিষ্কার থাকবে, জল খাবে, এগুলো মেনটেন করতে লাগবে। रहना है समय समय पर जो है साबुन से अपना हाथ को धोते रहना है, किसी से भी बात करते समय थोड़ा सा दूर बना के रखना है। अगर सर्दी जुकाम अगर आ जाए तो उसे घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो सीजन ही है सर्दी और जुकाम का। लेकिन सर्दी जुकाम से ही अगर अंदर अंदर अगर बुखार आते रहे और ज्यादा समय हो गया बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो आप कम से कम डॉक्टर से संपर्क बनाइए, थोड़ा सा जाँच कीजिए, यही है, इससे सावधान रहना है, सावधानी बरतना है। जिसको हो गया है उसके नजदीक आने से ही बीमारी होता है, बाकी दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होता है। दूसरा उसको भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं? और यदि जरूरत नहीं है तो जहाँ पर ज्यादा गैदरिंग है, ज्यादा लोग जन आदमी जमा जमा होता है, वहाँ जाने का जरूरत नहीं है। जुकाम हो या सर्दी हो, ठीक हो तो डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए, और कोई भी खाने के पहले चाहे कभी भी साबुन से हाथ अच्छा करके तो आए और बताए तो हम लोग को और अच्छा ही लगा, ताकि और हम लोग ज़्यादा सतर्क हो गए, इससे हम लोग को मतलब सावधानी रहना बहुत जरूरी है। गर्म पानी पीने से ना वायरस जो है वो बहुत दिन तक नहीं टिकता। अभी तो हम लोग स्कूल में जो खाना खिलाते थे, अभी तो हम लोग खाना खिलाने नहीं सक रहे हैं, तो आप लोग गार्जियन लोग बच्चे को लेके अगर आते हैं तो उसके बदले में हम लोग 2-1 kg करके चावल है 10-15 दिन का, जो भी होता है आप लोग को, जो गरीब आदमी लोग है हमारा स्कूल का जो बच्चा है उसके लिए सिर्फ। आपको आँख नाक मुंह से दूर रखना है, ज्यादा गैदरिंग नहीं करना है, जिसको कफ है जिसको बुखार है उसे डिस्टेंस बना के रखना है, और क्या है कि अपने मास्क रखना है, हाथों को साफ रखना है, हमेशा साबुन से धोना है। तो हम लोगों ने जो अभी विजिट किया था, आप लोगों को कुछ फ़ायदा लगा? हाँ हुआ, जिसको पता नहीं था उसको पता चला, ऐसे मुझे पता था पहले से, आज जो भी थोड़ा और थोड़ा पता चला। ओके, थैंक यू।